आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है प्रदीप जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये घटना तब की है जब मैं अकेले अकेले सा रहने वाला था। मुझे भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं थी और मैं ज़्यादा लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करता था। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी तभी मुझे जॉब का ऑफर मिला। मेरी जॉब मेरे गांव से 300 किलोमीटर दूर एक शहर में लगी थी। जॉब भी अच्छी खासी थी और पगार भी लगभग लगभग ठीक ही था, जिस कारण मैं जॉब को करने अपने गांव से शहर चला गया। शहर जाकर मेरी पहली परेशानी ये थी कि मुझे रहने का ठिकाना ढूंढना था। तो मैं जॉइनिंग डेट से 2 दिन पहले ही उस शहर चला गया। घर वालों से अनुमति लेकर सुबह 10 बजे वाली ट्रेन पकड़कर शहर के लिए निकल पड़ा। शाम होते होते शहर के स्टेशन पर उतरा। शहर का माहौल गांव के माहौल से काफ़ी अलग था। गांव में जैसे जैसे दिन जाता था गांव उतना ही सुनसान होता जाता था, मगर ठीक इसी के उल्टा शहर में जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा था उतने ही लोगों की भीड़ उमड़ती जा रही थी। मैं गांव से हूँ अपने मन में ठान कर आया था कि मैं इस भीड़ भाड़ वाली जगह से काफ़ी दूर शहर के एक कोने में घर लूँगा जहाँ इतना शोर शराबा ना हो। मुझे भी पता था आज रात हो जाने के कारण आज तो कुछ होने वाला नहीं है, तो स्टेशन में ही आज की रात रुक जाता हूँ। जिसके बाद मैं उस रात स्टेशन में गुजारा और सुबह होते ही निकल गया अपने लिए एक अच्छा सा घर ढूंढने। इधर उधर घर के बारे में पता करने पर मुझे पता चला कि इस शहर से 15 किलोमीटर अंदर एक खाली खाली सी जगह है जहाँ कुछ घर हैं, जहाँ कुछ का माहौल काफ़ी शांत है। तो मैं चलता बना उस जगह में घर ढूंढने। वो जगह स्टेशन से 15 किलोमीटर दूर होने के कारण मैंने वहाँ जाने के लिए एक ऑटो का सहारा लिया और करीब आधा घंटा ऑटो चलने के बाद हम उस जगह पर पहुँच गए। सचमुच वो जगह शहर से काफ़ी अलग था और काफ़ी शांत था। उस जगह पर ऑटो वाले को भाड़ा देने के बाद मैं इधर उधर घर की तलाश में लग गया। कुछ देर इधर उधर घर तलाशने के बाद मुझे घर दिखा जिसके बाहर फॉर रेंट का बोर्ड लगा हुआ था। उस घर के बाहर काफ़ी अच्छा बगीचा भी था जिसमें बड़े बड़े पेड़ भी थे। मुझे देखते ही वो घर पसंद आ गया तो मैंने उस घर के मालिक को बोर्ड पर लिखे गए नंबर पर कॉल लगाया और कॉल उठाते ही मैंने अपनी सारी समस्या उनको बताई तो वो भी मुझे घर देने के लिए राजी हो गए। जिसके 10 मिनट बाद मकान मालिक वहाँ पहुँचे और मुझे चाबी देते हुए कहा, ठीक है तुम घर में रहो और घर का किराया टाइम पर देते रहना, और हाँ एक बात याद रहे, किसी भी हालत में रात के वक्त घर के पीछे मत जाना। घर मिलने से मैं इतना खुश था कि मैंने मकान मालिक के इस बात पर ध्यान नहीं दिया और चाबी लेकर दरवाजे का ताला खोलकर घर के अंदर दाखिल हुआ। तो घर के अंदर का माहौल ऐसा लग रहा था कि काफ़ी सालों से कोई इस घर में रहता ही ना हो। घर में घर के अंदर थोड़ी साफ सफाई करके अपने साथ लाए सामानों को सेट करने लगा। सेट करते करते कब आसमान में सूरज की तेज किरणों की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली मुझे पता ही नहीं चला। इसके बाद ठीक रात के 9 बजे हल्का फुल्का रात का खाना खाकर मैं सोने चला गया। पिछली रात मैं ठीक से सोया नहीं था, इस कारण आज मुझे काफ़ी जल्दी नींद आ गई। तो बिस्तर पर गिरते ही कब नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला, जिसके बाद मेरी नींद किसी के ज़ोर ज़ोर से चलने की आवाज़ के साथ खुली। नींद खुलते ही मैंने जब घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 1 बजे का। इतनी रात गए मेरे घर के बाहर कौन चल रहा होगा। ध्यान से आवाज़ सुनने पर पता चल रहा था कि वो चलने की आवाज़ मेरे घर के पीछे से आ रही थी। कुछ देर तो मैंने उस आवाज़ को इग्नोर करने की काफ़ी कोशिश की, मगर वो आवाज़ थी जो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। खैर मैं डरता तो था नहीं,
तो मैं टॉर्च लाइट लेकर घर से बाहर निकला। बाहर का नज़ारा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था और सन्नाटे ने तो अपना कहर इस तरह जमा रखा था कि मानो गेट खुलने की आवाज़ ऐसे मालूम पड़ रही थी कि मानो को जोर जोर से किसी सामान को पटक रहा हो। खैर, मैं अंधेरे और सन्नाटे के समय में ना जाकर टॉर्च लाइट जलाकर घर के पीछे की तरफ चलता बना। घर के पीछे भी काफ़ी लंबे लंबे पेड़ थे, तो चांद की हल्की रोशनी भी उस जगह पर पहुंच नहीं पा रही थी। बस हल्की सी टॉर्च की रोशनी ही थी जिससे घर के पीछे का थोड़ा बहुत नज़र आ रहा था। घर के पीछे पहुंचते ही मैं इधर उधर टॉर्च मारकर ये देखने लगा कि आखिर घर के पीछे है कौन जो इतनी तेज चल रहा है। मगर कुछ देर इधर उधर टॉर्च मारने पर भी लंबे लंबे पेड़ के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखा। तो आखिर आवाज़ आ कहाँ से रही है? कुछ देर इधर उधर टॉर्च मारने पर भी जब मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया तो मैं वापस से इसे अपने मन का वहम मानकर घर की तरफ जाने लगा। मगर जैसे ही मैं घर की तरफ जाने के लिए बढ़ा तो वापस से मेरे पीछे उसी तरह ज़ोर ज़ोर से चलने की आवाज़ आई। तो दूसरी बार उस आवाज़ को सुनकर मैं झट से टॉर्च लाइट लेकर पीछे मुड़ा। तो इस बार पीछे मुड़ते ही मैं एकदम से चौंक गया और मेरे हाथ पैर फूलने लगे क्योंकि पीछे एक काफ़ी लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। मगर उस आदमी का सिर धड़ से अलग था और वही आदमी ज़ोर ज़ोर से चल रहा था। ये देखकर मैं कांप ही रहा था कि तभी एक लंबे पेड़ के ऊपर से आवाज़ आई, तू भी यहाँ मरने आया है? और इतना बोलकर पेड़ के ऊपर से ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। उस आवाज़ को सुनकर मेरे शरीर में खून की जगह करंट दौड़ने लगा। मगर फिर भी मैंने हिम्मत जुटाकर अपनी टॉर्च लाइट को उस पेड़ के ऊपर घुमाया। तो पेड़ के ऊपर टॉर्च लाइट घुमाते ही मैंने जो देखा उसे देखकर मुझे चक्कर आने लगे क्योंकि पेड़ के ऊपर एक कटा हुआ सिर लटक रहा था और वही सिर मुझसे बातें किया जा रहा था। उस सिर को देखकर मैं समझ गया कि ये कटा हुआ सिर किसी इंसान का है और इससे पहले कि वो भूत मुझे मार डाले मैंने वहाँ से दौड़ लगा दी और भागते भागते काफ़ी दूर एक घर के दरवाज़ा खटखटाने लगा। कुछ देर दरवाज़ा खटखटाने पर एक आदमी ने घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला, जिसके बाद मैंने उसे पूरी बात बताई। पूरी बात सुनने के बाद उस आदमी ने कहा, आज से 5 साल पहले उस घर में एक किराएदार रहता था, मगर पता नहीं क्यों उसे क्या तकलीफ थी, एक रात उसने घर के पीछे एक लंबे से पेड़ पर आत्महत्या कर ली। तब से उसी की आत्मा उसी घर के पीछे भटकती रहती है और किसी को भी उस घर में टिकने नहीं देती। इसके बाद मैं अगले दिन ही उस घर को छोड़कर उस जगह से काफ़ी दूर चला गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। आज की दूसरी कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे नए चैनल डार्क टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जहां हर शाम 7:30 बजे नई वीडियोस आती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। 6 घंटे का लंबा सफर तय करने के बाद जब मैं बस से उतरा तो वक्त हो रहा था रात के 10 बजे का। दरअसल मैं अपने ऑफिस के काम के सिलसिले से इस गांव में आया हूं और कल काम खत्म करके रात वाली बस से वापस लौट जाऊंगा। ऑफिस से निकलते वक्त बॉस ने मुझे साफ साफ कहा था कि बस से उतरने के बाद अगर तुम्हें कोई सवारी मिले तो ठीक है, वरना हो सके तो रात बस स्टॉप पर ही गुजार लेना। जिस कारण बस से उतरते ही मेरी नज़रें इधर उधर किसी सवारी को तलाशने लगी, मगर गांव का इलाका होने के कारण वो भी इतनी रात को मुझे उस बस स्टॉप पर सिवाय उस बस के जिससे मैं आया था और कुछ भी नहीं दिखा। तो मैं चलकर वापस से उस बस कंडक्टर के पास गया और उनसे पूछा, भाई साहब ये बरगदपुर गांव का रास्ता किधर है? इस पर उस कंडक्टर ने अपने हाथों का इशारा करते हुए कहा, बरगदपुर गांव इस रास्ते से होकर जाता है,
मगर भाई साहब रात को इस रास्ते पर जाना ठीक नहीं होगा, आप सुबह चले जाना। उस कंडक्टर के हाथ वाले इशारे की तरफ मैंने जब अपनी निगाहें घुमाई तो उधर एक सुनसान कच्चा रास्ता था। लेकिन मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था और ना ही मैं डरता था, इसलिए मैंने कंडक्टर से कहा, भाई साहब मैं चला जाऊंगा, मुझे डर वर नहीं लगता। इतना बोलकर मैं आगे बढ़ने लगा। वो रास्ता काफी पतला और दोनों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था। ये उस समय की बात है जब अधिकतर गांव में बिजली की सुविधा नहीं पहुंची थी, तो उस वक्त गांव में भी बिजली का नामो निशान तक नहीं था। और सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात तो ये थी कि मैं अपने साथ टॉर्च लाना भूल गया था। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। दूर दूर तक उस रास्ते पर मेरे अलावा ना तो कोई इंसान दिख रहा था और ना ही कोई जानवर। अंधेरे के साथ ही साथ सन्नाटे ने भी उस रास्ते को चारों तरफ से घेर रखा था। बस आ रही थी तो बीच बीच में रात कीड़ों की आवाज़ें, जिसकी आवाज़ से ये माहौल और भी ज़्यादा सुनसान प्रतीत हो रहा था। इतने वीरान रास्ते को देखकर मेरे पैर खुद ब खुद काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। चलते चलते मैं थोड़ी दूर चलाया, तभी मुझे सामने एक मोड़ दिखा। उस मोड़ को देखकर मैं हैरान हो गया कि उस कंडक्टर ने तो मुझे इस मोड़ के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। तो अब मैं जाऊं तो जाऊं किधर। मैं जाकर उस मोड़ के सामने खड़ा हो गया और इधर उधर नज़रें घुमाकर किसी बोर्ड को तलाशने लगा ताकि मुझे रास्ते का पता चल पाए। मगर कुछ देर इधर उधर नज़रें घुमाने के बाद भी मुझे कुछ नहीं दिखा, तो मैं और ज़्यादा परेशान हो गया। अब मैं फंस चुका था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किधर जाऊं। तभी मुझे दो चार आदमियों के आपस में बात करने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। मैंने जब ध्यान से उस आवाज़ को सुना तो मुझे पता चला कि ये आवाज़ मेरे पीछे की ओर से आ रही है। तो मैं पीछे मुड़ा। मेरे पीछे मुड़ते ही मुझे थोड़ी दूरी से चार आदमी चलकर मेरी तरफ आते दिखे। तो उन आदमियों को देखकर मैं काफ़ी खुश हुआ कि मैं इन आदमियों से रास्ता पूछकर चला जाऊंगा। देखते ही देखते वो चारों आदमी मेरे करीब आए। तो उनसे रास्ता पूछने के लिए जब मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए और मेरा सर एकदम से घूम गया, क्योंकि उन चारों का चेहरा एक था। मगर ये तो मुमकिन ही नहीं है, चार आदमियों का चेहरा एक बराबर कैसे हो सकता है। फिर जब मैंने अपनी निगाहें उन चारों के शरीर की तरफ घुमाई तो मेरे शरीर का सारा खून एकदम से सूखने लगा, क्योंकि उन चारों का शरीर भी एक जैसा दिख रहा था। और तो और उन चारों के पैर उल्टे थे। ये देखकर मुझे पता चल गया कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि भूत हैं। अभी मैं डर से कांप ही रहा था कि तभी उन चारों आदमियों का सर धड़ से अलग होकर हवा में उड़ने लगा। ये देखकर मेरा कांपता शरीर और जोर जोर से कांपने लगा। इससे पहले कि वो भूत मुझे मार देते कि तभी मैंने एकदम से दौड़ लगा दी और दोनों रास्तों से दाएं वाला रास्ता पकड़कर भागने लगा। भागते वक्त मेरी निगाहें खुद ब खुद पीछे मुड़कर उन भूतों को देख रही थी कि कहीं वो चारों भूत मेरा पीछा तो नहीं कर रहे हैं। तो हाँ, सच में वो चारों भूत चलकर मेरे पीछे आ रहे थे। और एक बात हैरान करने वाली ये भी थी कि मैं भाग रहा था और वो चारों भूत चलकर मेरे पीछे आ रहे थे, मगर फिर भी मैं उनसे काफ़ी आगे नहीं निकल पा रहा था। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपने कदमों को और तेज भगाने लगा, ये सोचकर कि मेरी मौत मेरा पीछा कर रही है। भागते वक्त डर के कारण मेरी आंखें बार बार बंद हो जा रही थीं, जिससे किसी भी चीज़ से टकराकर मेरे गिरने का खतरा बढ़ जा रहा था। मगर मुझे ये भी पता था कि अगर मैं गिरा तो उसी वक्त ये भूत मेरा काम तमाम कर देंगे।
तो मैं बार बार अपनी आंखों को खोलकर रखने की कोशिश कर रहा था। कुछ दूर ऐसे ही भागने के बाद मुझे आगे कुछ घर दिखे। उन घरों को देखकर मेरी जान में थोड़ी सी जान आई कि शायद अब मेरी जान बच सकती है, तो मैं भागकर उन घरों की तरफ जाने लगा। मुझे उन घरों की तरफ जाता देख वो चारों भूत एकदम से रुक गए और मुझे देखकर एक भयानक सी हंसी हंसने लगे। मगर मुझे पता नहीं चल रहा था कि वे भूत मुझे देखकर क्यों हंस रहे हैं। खैर मुझे इससे क्या, मुझे तो अपनी जान बचानी थी। ये सोचकर मैं भागता हुआ उन घरों के करीब पहुंचा, तो उन घरों के करीब पहुंचते ही मुझे एक दुकान खुला हुआ दिखा और दुकान के बाहर टेबल पर दो तीन आदमी भी बैठे हुए थे। तो उन आदमियों को देखकर मुझे काफ़ी हिम्मत मिली और मैं भागकर उनके पास गया, तो मुझे इतना डरा सहमा देख उनमें से एक आदमी ने कहा, क्या बात है भाई, लगता है नए नए आए हो। इस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए अपनी पूरी आप बीती उन आदमियों को बताई, तो उनमें से एक आदमी ने बताना शुरू किया, आज से एक साल पहले वो आदमी जंगलों से लकड़ियाँ लाकर बाजार में बेचा करता था। मगर ना जाने एक रात ऐसा क्या हुआ, क्योंकि जब वो लकड़ियाँ लाने जंगल में गया तो वापस ही नहीं लौटा। काफ़ी देर तक घर वापस ना लौटने के बाद उसके घर वाले उसे ढूंढते हुए जंगल में गए, तो वहीं उसके घर वालों को उसकी लाश मिली और उसकी लाश को देखने से ही पता चल रहा था कि उसे किसी जंगली जानवर ने नोचकर खाया है। अकाल मौत होने के कारण उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और उसकी आत्मा भी हमारी तरह भटकती रहती है। उस आदमी के इतना बोलने के बाद उसके बगल वाले आदमी ने मुझसे कहा, भाई साहब आपकी मौत कैसे हुई है? पहले वाले आदमी ने कहा कि उस भूत की आत्मा हमारी तरह भटकती है, और दूसरे वाले आदमी ने मुझसे पूछा कि आपकी मौत कैसी हुई है। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी कि भला ये लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं और इस गांव में इतनी रात तक ये खोला कैसे है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी उस आदमी ने दोबारा मुझसे कहा, क्या हुआ भाई साहब, आपने बताया नहीं कि आपकी मौत कैसे हुई है। इस पर मैंने कहा, मैं मरा नहीं हूँ, आप ऐसे उल्टी सीधी सवाल क्यों पूछ रहे हैं। जिस पर उस आदमी ने कहा, पहले पहले सबको ऐसे ही लगता है भाई साहब। इस पर मैंने अपना हाथ उस आदमी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, छूकर देख लीजिए, मैं कोई भूत वूत नहीं हूँ। मेरे हाथ बढ़ाते ही जैसे ही उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा तो मेरे होश उड़ गए और मेरा सर वापस से घूमने लगा, क्योंकि उस आदमी का हाथ बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा था। मगर ये कैसे हो सकता है, किसी जिंदा इंसान का शरीर इतना ठंडा कैसे हो सकता है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी वहाँ मौजूद सभी लोगों का चेहरा एकदम से बदलने लगा। उनमें से किसी का चेहरा जला हुआ था तो किसी का चेहरा पूरी तरह से कुचला हुआ। ये देखकर मैं समझ गया कि वो सब भी भूत हैं। अब मैं अपने बचने की उम्मीद खो चुका था और मैंने अपने आप को मरा हुआ मान लिया था कि तभी डर के कारण मेरे आंखों के सामने सब कुछ काला पड़ने लगा और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब मैं होश में आया तो सुबह हो चुकी थी और काफ़ी लोग मुझे घेर कर खड़े थे, जिसके बाद मैंने अपनी साथ घटित पूरी घटना उन लोगों को बताई, जिस पर उन्होंने कहा कि वो सभी लोग भूत हैं। दिन को वो सभी उसी दुकान पर बैठे हुए थे। मौसम बरसात का था तो सुबह से ही बारिश हो रही थी कि तभी अचानक उस दुकान पर बिजली गिर गई, जिससे उन सभी की मौत हो गई। तब से उनकी आत्मा यहीं पर भटकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।